दोस्तों, क्या लड़कियां सुरक्षित है? क्या सरकार लड़कियों के सुरक्षित रहने के लिए कोई ठोस कानून बना रही है या बना पाई है? क्या गारंटी है कि आगे भी लड़कियां सुरक्षित रहेंगी चाहे कोई भी सरकार आ जाए? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा पर उठ रहे सवाल ने लोगों के बीच एक सवाल खड़ा कर दिया है। आए दिन लड़कियों के साथ हो रही घटना को देखते हुए हर कोई परेशान है और हाल ही में अंकिता की हत्याकांड ने सबको हिला कर रख दिया। कहीं लड़कियों के साथ गलत होता है तो कहीं लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, तो कहीं उनके मुंह पर तेजाब फेंक दिया जाता है। लड़कियां सुरक्षित नहीं है। खैर, ये तो थी लड़कियों की असुरक्षा की बात, लेकिन अब अंकिता हत्याकांड में नया मामला सामने आ गया है जिसे सुनकर आप भी शॉक हो जाएंगे। दरअसल उत्तराखंड के ऋषिकेश में अंकिता मर्डर केस को लेकर भावी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले रविवार की सुबह हत्याकांड से आक्रोशित लोगों ने 8.5 घंटे तक ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम रखा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ आया है कि अंकिता को पहले किसी भारी चीज से पीटा गया है, उसके बाद नहर में धक्का दिया गया है। देर शाम अंकिता का अंतिम संस्कार प्रशासन के आश्वासन के बाद पौड़ी जिले के श्रीनगर में अलकनंदा नदी के तट पर हुआ। बता दें कि बीते रविवार को ही अंकिता का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार करते हुए कहा था कि जब तक पोस्टमार्टम की जांच पूरी नहीं होती है तब तक अंकिता का फनरल नहीं किया जाएगा। हालांकि प्रशासन के समझाने के बाद वे अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत पानी में डूबने से हुई है। प्रदर्शनकारी सरकार से अंकिता के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग कर रहे थे। उत्तराखंड के बीजेपी अशोक कुमार ने अंकिता भंडारी के पिता को आश्वासन दिया कि उनकी पुत्री के हत्यारों को फांसी की सजा दिलाई जाएगी। कुमार ने वीरेंद्र सिंह भंडारी को यह आश्वासन फोन पर दिया। अशोक कुमार ने साथ ही कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी निष्ठा से अपना काम कर रही है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं पर जो लगातार कम होने का नाम तो बिल्कुल नहीं ले रही है, बल्कि आए दिन हमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती है जो वाकई हमें अपने ही देश में शर्म से झुका देती है। क्योंकि हथियारे भी वही है जो हमारे देश में है, जिन्हें भारतीय कहलाने का बिल्कुल हक नहीं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।